हेलो, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं अपने इस चैनल जिसका नाम है द सीजी ट्यूब, और मैं हूं आपका दोस्त और भाई प्रदीप अवस्थी। तो बेसिकली इस द सीजी ट्यूब चैनल पर मैं बहुत सारे टेक्नोलॉजी, एनिमेशन, फिल्म वगैरह के से रिलेटेड बहुत ही अच्छे अच्छे ट्यूटोरियल्स आपके लिए लाता रहता हूँ, बहुत सारे ट्यूटोरियल्स लाता रहता हूँ। तो आपके लगातार कमेंट भी हमें मिलने शुरू हो गए हैं और काफ़ी अच्छे व्यूज़ भी आने लगे हैं, हमारे वीडियोस को पसंद किया जा रहा है। तो इसी सीरीज में, इसी कड़ी में फिल्मोरा का एक और वीडियो आपके लिए मैं लेके आया हूँ। अपनी सीरीज को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ बेसिकली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपको जितना बताया था उसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे। तो मैंने आपको बताया था इसमें कि किस तरीके से आप वीडियो अपने ला के और उसको एडिट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको नहीं पता कि किस तरीके से इस पर हम काम करते हैं तो आप हमारे पिछले वीडियोस जाकर देख सकते हैं, मैंने आई बटन पे लिंक आपको दे दिया है, ठीक है। तो चलिए बिना कुछ देर के हुए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लाते हैं, इंपोर्ट करते हैं अपनी एक फ़ाइल। तो इंपोर्ट करने के लिए आप इस पर सीधे एक सिंगल क्लिक करेंगे या जाएंगे फाइल देन इंपोर्ट, ठीक है ना। तो इस पर मैंने सिंगल क्लिक किया, जो लास्ट ट्यूटोरियल था उसी को मैंने उठा लिया, ठीक है। और आपको मैं बता दूँ कि जो ये लास्ट वाला ट्यूटोरियल था ये मैंने फुल्ली फिल्मोरा से ही बनाया था, यानी कि इसका जितना भी आप पार्ट देखेंगे, इंट्रो देखेंगे, बीच में जो लोअर थर्ड हमने डाले थे बीच बीच में, सॉरी, तो जो मैंने लोअर थर्ड डाले थे वो भी फिल्मोरा से डाले थे। इवन इसका मैंने रिकॉर्डिंग तक फिल्मोरा से ही किया था, और आज का जो वीडियो बना रहा हूँ ये भी मैं फिल्मोरा से ही सब कुछ बना रहा हूँ। तो मैंने आपको बताया था कि जब वीडियो की आपकी फाइल यहाँ पे आ जाए तो आप उसे डबल क्लिक करके यहाँ पे सीधे प्रीव्यू कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा ये वीडियो पूरा कम्प्लीटली आ चुका है। तो आगे इस पे हम लोग वर्क करते हैं। तो सबसे पहले इसको हम टाइमलाइन पे ऐड करते हैं। तो इस तरीके से आप सीधे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो टाइमलाइन पे ऐड कर पाएंगे या प्लस आइकॉन से, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको इसको जूम इन जूम आउट करना बता दिया था। इसके बाद बात करते हैं इस पे जो ऑडियो पड़ा हुआ है, अगर आप उसे डिटैच करना चाहते हैं तो राइट क्लिक या कंट्रोल आल्ट और डी अपने आप सिस्टम पे लगा सकते हैं। कंट्रोल आल्ट और हमने डी लगा दिया तो मेरा ऑडियो डिटैच हो गया। तो अगर आप इसकी ऑडियो को मान लीजिए करना चाहते हैं कुछ कम या ज़्यादा, या सेटिंग करना चाहते हैं ऑडियो की, तो आप डबल क्लिक करेंगे तो आप ऑडियो की स्पीड कम ज़्यादा कर पाएंगे, वॉल्यूम यहाँ से आप कम ज़्यादा कर पाएंगे। इसके अलावा फेडिंग और फेड आउट, अगर आप ऑडियो को स्टार्टिंग से फेडिंग और फेड आउट करना चाहते हैं तो आप सेकेंड्स में, यहाँ पे ये मैं नैनो सेकेंड्स दिए हुए हैं, यानी एक सेकेंड का 32 पार्ट जो होता है उतने में आपका फेड आउट होगा, ये एक सेकेंड और 1.72 सेकेंड में फेड आउट होगा, फेड इन होगा। तो इस तरीके से आप फेड इन और फेड आउट यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको ऑडियो की पिच नहीं समझ में आ रही है तो आप अपने ऑडियो की पिच यहाँ से करेक्ट कर सकते हैं, यानी पिच यानी उसको ज़्यादा पतला करना है या ज़्यादा मोटा करना है। इसके अलावा इस पर इक्वलाइजर दिया हुआ है, आप इस पर कुछ प्रीसेट्स दी हुई हैं, आप इनको चूज़ कर सकते हैं। अगर आप इन प्रीसेट से खुश नहीं हैं तो आप कस्टमाइज करेंगे और यहाँ से आप अपने हिसाब से प्रीसेट भी ले सकते हैं, और इनको ऊपर नीचे करके आप इसकी अपने ऑडियो की मास्टरिंग अच्छे तरीके से यानी मिक्सिंग कर सकते हैं इसके साथ। इसके बाद जो बैकग्राउंड नॉइस होती है उसको रिमूव करने के लिए आपको यहाँ पे सिंपल क्लिक करना है। इसके बाद बैकग्राउंड नॉइस कम हटाना है या ज़्यादा हटाना है या कितना आपको हटाना है आप यहाँ से सिंपली हटा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद करेंगे ओके। इसके बाद अगर आप एक्सटर्नल म्यूजिक इस पर डालना चाहते हैं तो उस पर आप डबल क्लिक, इस पर आप राइट क्लिक करके इम्पोर्ट कर सकते हैं, या फिर सीधे इम्पोर्ट और इम्पोर्ट मीडिया फाइल। और यहाँ से आपके पास अगर कोई एक्सटर्नल मीडिया फाइल पड़ी हुई है तो आप उसे ला सकते हैं बेसिकली। जैसे मेरा दूसरा एक चैनल है फैक्ट यॉर्क करके, तो उस पर मैं जैसे कुछ साउंड पड़ा हुआ है तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, तो आप इसको ला के और इस साउंड ट्रैक में अपने आप ऐसे करके ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस पर मैं आपको आज टेक्स्ट से और क्रेडिट को बताने वाला हूँ, ट्रांजिशन मैं अगले ट्यूटोरियल में बताऊँगा। तो अभी थोड़ा सा ऑडियो का पार्ट बचा था तो मैंने सोचा पहले उसको कवर कर देते हैं, इसके बाद बाकी की चीज़ें आपको हम डिस्कस करते हैं। तो पहले जैसे ऑडियो आ गया, आप इसको आप डबल क्लिक करके यहाँ पे ऑडियो को एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे आपको और भी वॉल्यूम में उतार चढ़ाव चाहिए या कुछ करना है तो आप इस मिक्सर आइकॉन पे, यहाँ पे आप कोने पे जाएंगे, जो प्ले और प्ले का सा आइकॉन बना हुआ है इसको रेंडर टाइमलाइन इंटर कहते हैं, इसके बगल वाला जो ये आइकॉन है इस पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका ये मिक्सर खुल जाएगा, ऑडियो मिक्सर। तो यहाँ से आप पैन कर सकते हैं आप वॉल्यूम को, जैसे मान लीजिए मैं इस साउंड को प्ले करता हूँ, ठीक है, ये साउंड जैसे प्ले हुई तो आप इसे जैसे पैन करना चाहें तो यहाँ से जाएंगे। अभी आप जैसे ये वाला साउंड है ये, क्योंकि ये ब्लू डॉट और आगे निकल के आ गया है तो इसका मतलब इस पर हमारी साउंड पड़ी हुई है। तो आप अगर इसे लेफ्ट कर देंगे तो ये लेफ्ट सुनाई देने लगेगा, आप इसे राइट कर देंगे तो राइट ईयर में आपके सुनाई देने लगेगा। तो पैनिंग आपकी बेसिकली ये है, ठीक है। इसके अलावा आप पैनिंग लगाने के साथ साथ इनकी वॉल्यूम को यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, और यहाँ से आप सुन के वॉल्यूम को
आप अपने साउंड की वॉल्यूम को सुन के देख सकते हैं कि मेरे इसमें कितना साउंड है, और ओवरऑल जो मास्टर है जो इन सबको कंट्रोल करता है वो ये है, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। जितने आप साउंड ट्रैक ऐड करते जाएंगे इस पे MP3 पे, तो उतने ही इस पे ऐड होते जाएंगे। प्लस वीडियो की जो लेयर है वो वीडियो का साउंड, आप वीडियो के साथ अगर साउंड है तो वो यहाँ पे शो होगा इसके साथ, ये वीडियो लेयर है। तो आप जितनी वीडियो लेयर जोड़ते जाएंगे उतने ऑडियो में मिक्सर जुड़ते जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ऑडियो का काम होता है। इसके अलावा बाय डिफ़ॉल्ट कुछ एक ऑडियो फिल्मोरा की लाइब्रेरी में दिए होते हैं, जैसे यहाँ पे अगर आ जाए तो साउंड इफेक्ट काफ़ी सारे दिए होते हैं। इवन जब पिछला वाला मैंने ट्यूटोरियल ये वाला जो बनाया था तो इसका जो इंट्रो में जो साउंड आया था तो मैंने वही इसी से लिया था, इसी से मैंने लिया था। रिकॉर्ड फच करके एक साउंड है 9 सेकेंड का, वो मैंने इंट्रो के लिए लिया था, तो वही मैंने यूज़ किया था इसमें। और इसके अलावा इस पर फॉल्क हैं, रॉक हैं, काफ़ी सारे आपको साउंड्स दिए हुए हैं, बड़े बड़े हैं साउंड, जैसे आप इसको प्ले करके देख सकते हैं। चलिए स्टॉप करते हैं इसको। तो आप जैसे इस पे काफ़ी सारा साउंड है, आप इनको देख सकते हैं। इवन यहाँ पे इनके दी हुई बड़ी लाइब्रेरी है काफ़ी, तो मैंने इसका लाइब्रेरी पैक इंस्टॉल किया हुआ है इसलिए मेरे पास सारा कुछ है। आप इसका लाइब्रेरी पैक इंस्टॉल कर सकते हैं सीधे। आप किसी भी फाइल पे राइट क्लिक करेंगे तो डाउनलोड ऑल का ऑप्शन आता है, आप डाउनलोड ऑल करेंगे। तो जैसे ही आप डाउनलोड ऑल करेंगे इंटरनेट एक्सप्लोरर पे आप पहुँचेंगे या क्रोम ब्राउज़र पे पहुँचेंगे जहाँ भी, तो आपको एक फ़ाइल मिलेगी, एक पूरी फिल्मोरा की लाइब्रेरी मिल जाएगी। उसको आपको 1 GB का होगा, उसे डाउनलोड करके अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करना होगा। उसके बाद आपके सारे इफेक्ट जो हैं वो अपने आप अनलॉक हो जाएंगे, ठीक है। फिल्मोरा आफ्टर इफेक्ट लाइब्रेरी कहते हैं उसको, तो वो आपको इस पर मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये तो हो गई साउंड की बात कि इस तरीके से आप सीधे यहाँ से भी साउंड अपनी क्लिक करेंगे, ड्रैग करेंगे और ड्रॉप कर सकते हैं यहाँ पे सीधे सीधे, ठीक है। तो आपकी वो साउंड वीडियो के साथ ऐड हो जाएगी। बाद में इसको आप डबल क्लिक करके इस पर कुछ भी लगाना चाहें या मिक्सर के साथ कुछ भी एडिशन करना चाहें तो आप वो कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं टेक्स्ट एंड क्रेडिट की, ठीक है। तो हम टेक्स्ट एंड क्रेडिट पर चलते हैं। तो फिलहाल हमें टेक्स्ट एंड क्रेडिट के लिए कुछ लोअर थर्ड वगैरह के लिए ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा जैसे आप मीडिया में जाते हैं तो यहाँ पे सैंपल वीडियो दिए होते हैं, आप चाहें तो इन सैंपल वीडियोस का काउंटडाउन वगैरह दिए हुए हैं, जैसे काउंटडाउन दिया हुआ है, शायद मैंने आपको पहले बताया भी है। इसको अगर मैं प्ले करता हूँ तो ये जैसे काउंटडाउन दिया हुआ है 5, 4, 3, 2, 1। अब मान लीजिए मुझे इसको स्पीड अप करना है, तो आप इसे सीधे सीधे इस तरीके से ओपन करेंगे, जैसे 1, 2 आ गए हैं, इसको डिलीट करते हैं। यहाँ पर जाके कोने पर आप जाएंगे, जैसे ये दोनों चेंज हो जाएँ बीचों बीच में, तो आप इसे इस तरीके से जैसे ड्रॉप ड्रैग करेंगे एक साइड में, ठीक है, तो ये काउंटडाउन आपका स्पीड अप हो जाएगा। अभी आप देखेंगे कि हमारा काउंटडाउन जो है वो स्पीड अप हो गया, 5, 4, 3, 2, 1 और ख़त्म हो गया। या जैसे ट्रिम हो गई क्लिप, तो आप डबल क्लिक करके और इसकी स्पीड को इन्हेंस कर सकते हैं, फास्ट कर सकते हैं इस तरीके से। अब ये काउंटडाउन हमारा बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगा, ये 5, 4, 3, 2, 1, ठीक है, इस तरीके से। तो आप इनको अपने वीडियोज़ में अगर काउंटडाउन लगाना चाहते हैं तो आप इनको यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी काउंटडाउन वीडियो दिए हुए। इसके अलावा सैंपल कलर्स दिए हुए, इनका क्या काम होता है, अब जैसे बैकग्राउंड में कुछ नहीं है, यहाँ पे हमें कुछ टेक्स्ट या क्रेडिट डालना है या ग्रेडियंट डालनी है, तो आप उनको डाल सकते हैं। इसके ऊपर आप टेक्स्ट लिख सकते हैं, ठीक है, क्लिक करके आप कोई भी टेक्स्ट इसके ऊपर लिख सकते हैं। तो ये सिंपली इसके लिए दिए हुए हैं। जैसे मान लीजिए मैंने ये कलर ले लिया, इसके बाद मैं जाऊँगा टेक्स्ट एंड क्रेडिट में, तो नीचे जाना है, तो मैं जैसे कुछ टाइटल वगैरह यहाँ पे दिए हुए, मान लीजिए मैं इसे ही लेना चाहता हूँ, तो इसे मैंने इसके नीचे ऐड कर लिया। डबल क्लिक करेंगे और इस टाइटल को आप सीधे एडिट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं इस पर डालता हूँ, तो मैंने 10 EG Tube लिख दिया। और यहाँ पे अगर आप इनको इसको एनिमेशन देना चाहते हैं, एनिमेशन चेंज करना चाहते हैं, तो आपको जाना पड़ेगा एडवांस में। इसके बाद यहाँ से आप इसका एनिमेशन, ड्रॉप शैडो, कलर वगैरह सब कुछ चेंज कर पाएंगे। तो वो मैं भी आपको बता रहा हूँ किस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए हम चलते हैं अपने पूरे टेक्स्ट क्रेडिट के ऊपर। तो एक कलर रह गया था, वो भी मुझे बताना था, तो मैंने आपको बता दिया। तो जैसे हम आते हैं अपने इस वीडियो इसके ऊपर टेक्स्ट एंड क्रेडिट के ऊपर, तो यहाँ पे आपको बहुत सारी लाइब्रेरी दी होगी टेक्स्ट एंड क्रेडिट की, ऑलरेडी प्रीसेट बनी बनाई दी हुई है। यानी आप किसी पे भी, जैसे मान लीजिए प्लस क्लिक करते हैं तो वो यहाँ पे आ जाएगा, इवन आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मैं इसको उसको आपको प्ले करके दिखाता हूँ, तो इस तरीके से ये आ गया, तो जैसे ये आ रहा है, तो आपको इसको एडिट करना है मान लीजिए। इसके अलावा आप वीडियो की इस लेयर को भी एडिट कर सकते हैं, ब्राइटनेस, सेचुरेशन, एडवांस में जाके आप इसका इवन कलर और टिंट वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से काफ़ी कुछ प्रीसेट दी हुई हैं, आप उनको चाहे तो यूज कर सकते हैं। तो वाइट के साथ वाइट ही आता है, आप अगर ग्रेडियंट यूज करना चाहते हैं, ग्रेडियंट यूज करने में आपको पसंद आती है, तो आप ग्रेडियंट पे डबल क्लिक करके उसे ओके कर सकते हैं। जैसे ये आ गया इस तरीके से, ठीक है। इसके बाद जैसे मान लीजिए यहाँ पे मेरा ये टेक्स्ट है, इसको मुझे एडिट करना है, तो आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो आपका टेक्स्ट ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको फॉन्ट मिलता है, आप जो फॉन्ट यूज़ करना चाहें उस टेक्स्ट पे, जैसे मान लीजिए भी अलग अलग है, हम जिस पे क्लिक करते जाएंगे तो हमारा वो टेक्स्ट ओपन होता जाएगा। इवन आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं, मान लीजिए मुझे ऊपर वाला टेक्स्ट नहीं चाहिए, सेलेक्ट किया, डिलीट कर दिया, चला गया, आप कहीं बाहर क्लिक कर देंगे तो वो चला जाएगा। इसके बाद मान लीजिए ये मुझे ये भी नहीं चाहिए, ये भी मैंने डिलीट कर दिया, सिर्फ मैं मिडल वाला इसका रखता हूँ एक टेक्स्ट,
तो सिर्फ मेरे पास अभी ये टेक्स्ट बचा है, ठीक है। अब इसको मुझे एडिट करना है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे बहुत सारी फॉन्ट की लाइब्रेरी आपको मिल जाएगी, आप जो फॉन्ट यूज करना चाहें उस फॉन्ट को इसको आसानी से यूज कर सकते हैं। इसके बाद क्या करना होगा, आप इसे कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से सीधे इसका कलर चेंज कर सकते हैं, आप इसको अलाइन चेंज कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, ठीक है। इसके मान लीजिए इसे मुझे चेंज करना है, तो यहाँ पे लिखता हूँ द, अभी ये अच्छा नहीं लग रहा, मैं बताता हूँ कैसे अच्छा करना होता है, किसी भी कलर को कैसे मैच कराना होता है। द सी जी, इसके बाद लिखता हूँ ट्यूब, ठीक है, ये मैंने जैसे लिख दिया। अब क्या करते हैं, इसको सेलेक्ट कर लेंगे, एडवांस पे जाएंगे। आप सेलेक्ट नहीं करेंगे तब भी आप एडवांस पे जा सकते हैं, तो आपका जब एडवांस ओपन हो जाए तो आप यहाँ से पहले तो है कलर, कलर का फिल का टाइप, आप ग्रेडियंट फिल करना चाहें तो ग्रेडियंट भी आप इस पर फिल कर सकते हैं। तो आप फर्स्ट कलर चूज़ कर लेंगे एंड सेकेंडरी कलर चूज़ कर लेंगे यहाँ से, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए दो कलर हमने यूज कर लिए। इसके बाद आप इससे अगर टेक्स्ट का कोई इफेक्ट देना चाहें तो वो भी आप यहाँ से दे सकते हैं, बहुत सारे इफेक्ट दिए हुए हैं, देर इज़ लॉट्स ऑफ इफेक्ट्स यू कैन यूज़ इन योर फुटेज वीडियो। इसके बाद ब्लर अमाउंट, अगर आप ब्लर करना चाहें तो टेक्स्ट को ब्लर कर सकते हैं, उसकी ओपेसिटी अगर कम ज़्यादा करना चाहें। वैसे मुझे कायदे में तो टेक्स्ट का अलग से ट्यूटोरियल बनाना चाहिए था, अभी जितना मैं इस पर बता सकता हूँ बताता हूँ। इसके बाद टेक्स्ट एडिटिंग का मैं अलग से वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा, अभी आपको इतना बता दे रहा हूँ कि आप इससे एडिट कर पाएंगे। इसके बाद मान लीजिए आपको टेक्स्ट के आसपास बॉर्डर चाहिए, तो आप बॉर्डर पर क्लिक करेंगे, इसके बाद आप बॉर्डर का कलर यहाँ से डिफाइन करेंगे, प्लस आपको बॉर्डर की ओपेसिटी और साइज कितना चाहिए, ब्लरनेस चाहिए बॉर्डर में, तो वो आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद आप शैडो अगर चाहिए इसमें तो शैडो भी आप चूज़ कर सकते हैं, कैसी शैडो चाहिए, मान लीजिए मुझे ऐसी शैडो चाहिए, प्लस इसकी डिस्टेंस कितनी होगी हमारे शैडो की, तो मैं शैडो को डिस्टेंस दे सकता हूँ। इसके बाद आप यहाँ से इवेंट प्रीसेट, काफ़ी सारी प्रीसेट्स दी हुई हैं, आप उनका यूज कर सकते हैं, काफ़ी हद तक अच्छी होती हैं। इसके बाद आप यहाँ से भी आप फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट का साइज चेंज कर सकते हैं, बोल्ड इटैलिक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कई सारे टेक्स्ट हैं, अगर इसी में मान लीजिए मैं लंबा लिखता हूँ और उसको इंटर करके नीचे कर देता हूँ, तो लाइन स्पेसिंग और इनके बीच की लाइन स्पेसिंग भी आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे मैं बढ़ाता जाऊँगा तो लाइन स्पेसिंग इसकी कम ज़्यादा होती जाएगी। इसके अलावा कुछ अलाइनमेंट के ऑप्शन दिए हुए हैं कि लेफ्ट राइट टॉप वगैरह के अलाइन कर सकते हैं, इसके अलावा फॉरवर्ड और बैकवर्ड भी आप कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ से टेक्स्ट का एनिमेशन, किस तरीके से हमारा टेक्स्ट प्ले होगा, आप जैसे एनिमेशन पे क्लिक करेंगे तो आप एनिमेशन को प्ले होता हुआ यहाँ पे देख पाएंगे इस जगह पे। प्रीसेट, इसके अलावा कुछ एक प्रीसेट ऑलरेडी बनी बनाई दी हुई है, आप अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट करके जिस भी प्रीसेट पे क्लिक करेंगे तो वो डबल क्लिक, तो वो आपकी प्रीसेट आपके टेक्स्ट पे अप्लाई हो जाएगी। तो जो आपके इसके टेक्स्ट के ऊपर अच्छी लग रही है वो आप प्रीसेट यूज कर सकते हैं ऑब्वियसली। इसके बाद आप अगर इस पर एनिमेशन देना चाहें तो जिस पे आप जाएंगे एनिमेशन पे होवर करेंगे तो आपका वो एनिमेशन दिखाई दे जाएगा, आप डबल क्लिक करेंगे तो वो एनिमेशन इस पर अप्लाई हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। बाद में आप इसे सेव प्रीसेट करके सेव भी कर सकते हैं, इसके अलावा ओके कर सकते हैं, तो आपका ये इस पर अप्लाई हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से आप ओके कर देंगे तो हमारा वही एनिमेशन इस पर अप्लाई हो गया, ठीक है। अब हम इसको आपको प्ले करके दिखाएं तो सेम इफेक्ट हमारा भी प्ले होगा इस तरीके से, ठीक है। बाकी आप इसे फर्दर चेंज कर सकते हैं। तो ये तो हो गई हमारे टेक्स्ट एंड क्रेडिट की बात, कि जैसे आप बहुत सारे टेक्स्ट एंड क्रेडिट दिए हुए, मैं सबको नहीं दिखा सकता, आपको वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और मैं यही सोचता हूँ कि आप लोग को वीडियो देखने में काफ़ी बोरियत होगी, फिर तो मैं नहीं चाहता कि काफ़ी लंबा जाए। तो अभी बहुत सारे इसमें टाइटल दिए हुए हैं, आप इनको खुद से डाउनलोड करें प्लस अपने लैपटॉप में देखें। टाइटल के बाद बात आती है लोअर थर्ड की। तो लोअर थर्ड क्या होते हैं, मान लीजिए मुझे इस वीडियो के नीचे कुछ दिखाना है, कुछ शो करना है अपने चैनल का कुछ, ये जैसे ये एक लोअर थर्ड है, इसके अलावा ये एक लोअर थर्ड है, जैसे मान लीजिए इसे मुझे यूज करना है, तो आप इसे सीधे क्लिक करके ड्रैग करके यहाँ पर कहीं भी ड्रॉप कर देंगे, ये सिर्फ टेक्स्ट लेयर है, और आप जब इसे यहाँ पे प्ले करेंगे तो ये लोअर थर्ड इसके नीचे प्ले होगा। आप इस पर भी डबल क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टी को एडिट कर सकते हैं, जैसे मैं टेक्स्ट को एडिट करूँ तो मैं देता हूँ सब्सक्राइब, SUBSCRIB सब्सक्राइब मैंने दिया। आप इसका फॉन्ट साइज जो भी आप बड़ा करना चाहें कर सकते हैं, आप इसके अलावा बाहर वाले पे भी क्लिक करके उसको भी बड़ा छोटा करके एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, आप इसको जहाँ भी आपको लगाना हो वहाँ पे आप इसे उठा के ड्रैग कर सकते हैं। देखिए कैसे, आप जैसे ये चार कार्क होने वाला है, यानी अभी तो ऐसे आप जाएंगे तो अभी इस पर आप एडिटिंग पे चले जाएंगे, जैसे ये चार कोने वाला है तो आप इसे कहीं भी इस तरीके से एडिट कर सकते हैं। इसके बाद आपका जो बाकी का पार्ट बचता है आप उसे बाद में उठाकर इस तरीके से लेके जा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप इस पर टेक्स्ट पे और कुछ एडिशन करना चाहते हैं तो आप अपने टेक्स्ट लेयर को सेलेक्ट करेंगे और इस पर डबल क्लिक करेंगे, फिर वही सेम थिंग है, बिल्कुल सब कुछ एज इट इज है, फॉन्ट साइज कलर सब कुछ आ जाएंगे, आप प्रीसेट यूज कर सकते हैं, कस्टमाइजेशन कर सकते हैं आप अपने टेक्स्ट का। डबल क्लिक करेंगे बहुत सारे बॉर्डर और शेडो, जो मैंने आपको सारी प्रॉपर्टीज़ अभी बताई हैं, फिल टाइप, ग्रेडियंट, या इमेज फिल करना चाहते हैं तो कोई इमेज आप इस पर फिल कर सकते हैं। आप इमेज को यहाँ से क्लिक करेंगे,
जहाँ भी आपकी इमेज पड़ी हो आप वहाँ से अपने इमेज को लेकर के आएंगे, ठीक है। और इसके बाद उस इमेज को आप एज ए बैकग्राउंड इमेज यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं कोई भी एक इमेज ले जाता हूँ, काफ़ी इमेजेस मेरे पास पड़ी हुई हैं, तो उस इमेज को उस पर आप फिल करके देख सकते हैं। जैसे मैं बॉर्डर को ऑफ करता हूँ तो आप इस इमेज को इस पर फिल किया हुआ देख पाएंगे कि ये इमेज इस पर फिल हुई है, ठीक है। तो मैं आपको इस पर बेसिक भी बता रहा हूँ प्लस बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल भी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, किस तरीके से आप एडिट कर सकते हैं। बस आप एनिमेशन वही सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो चेंज कर सकते हैं। तो मैं टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ को अलग से लेकर आने वाला हूँ आपके लिए, तो कोई बताने का मतलब ही नहीं बनता है मेरा। इसके बाद जैसे आप नीचे चलेंगे तो लोअर थर्ड की बात हो गई। इसके बाद आप टाइटल एंड टेक्स्ट, टेक्स्ट टाइटल क्रेडिट वगैरह दे सकते हैं, सबटाइटल दे सकते हैं। सबटाइटल आपके ये होते हैं, आप कहीं भी उठा के सबटाइटल को ड्रॉप करेंगे तो आपके वीडियो में वो सबटाइटल आ जाएगा। जैसे अभी ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सबटाइटल इसके नीचे आया हुआ है। आप अगर इसको दिखाना चाहें, कहीं भी अगर लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं। इसके अलावा वही सारी प्रॉपर्टीज, डबल क्लिक एंड चेंज, ओके। इसके बाद आप नीचे आएंगे तो क्रेडिट्स वगैरह कुछ दिए होते हैं। आप अगर किसी को मान लीजिए मूवी के तरीके से क्रेडिट्स देना चाहते हैं तो आप लास्ट में इसको यूज कर सकते हैं। प्लस जैसे मैं लास्ट में यूज़ करके दिखाता हूँ, पहले मैं इन सबको हटा देता हूँ, थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं इस प्लेलिस्ट को। इसके अलावा आप इसे इस तरीके से स्क्रॉल कर सकते हैं साइड में। इसके अलावा आप कंट्रोल प्रेस करके भी स्क्रॉल कर सकते हैं। हम आते हैं लास्ट में, अपना टेक्स्ट एंड क्रेडिट कहीं भी अगर आप ड्रॉप करेंगे तो अब इसके बाद आप उसको इसके साथ अटैच कर सकते हैं। जैसे अभी आप यहाँ पर प्ले करेंगे तो ये सब टाइटल आ गए सारे, तो यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे तो आप आ जाएंगे नेम वन, नेम टू, नेम थ्री। आप उनको वन बाय वन एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेम वन, नेम टू में आप जो अपना डालना चाहें वो डाल सकते हैं। इसके बाद आप इसके बैकग्राउंड में कलर कुछ लेना चाहते हैं तो आप जाएंगे मीडिया, सैंपल कलर्स, आप किसी भी एक कलर को, ग्रेडियंट को उठा करके और यहाँ पे आप ड्रॉप करेंगे तो वो आपका कलर यहाँ पे इसके साथ लग जाएगा। ये आप देख सकते हैं कि कलर के ऊपर मेरा आ गया। प्लस इसकी वही सारी प्रॉपर्टीज एडवांस में जाके आप चेंज कर सकते हैं, है ना। तो आई थिंक हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी बताने की, लेकिन फिर भी अगर कमेंट आता है कि आप हमें टेक्स्ट के लिए अलग से बताओ तो मैं टेक्स्ट के लिए स्पेशली एक वीडियो लेकर आऊँगा आपको पूरा फुल्ली एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप पूरा एक वीडियो कंप्लीट कर सकते हैं। आई थिंक बाहर शोर बहुत हो रहा है क्योंकि मैं अभी अपने घर पर नहीं हूँ, बहुत बाहर हूँ इस समय, मैं किसी होटल में हूँ। तो कोई नहीं, चलता है, अगर शोर आ जाए तो प्लीज़ आप एडजस्ट करें इसे, क्योंकि मैं कोशिश करूँगा जितना मैक्सिमम नॉइस मैं अपने वीडियो से हटा सकूँ। तो आई थिंक वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। तो ये था टेक्स्ट एंड क्रेडिट के बारे में कि आप किस तरीके से अपनी वीडियोस में टेक्स्ट एंड क्रेडिट को इंक्लूड कर सकते हैं प्लस उनको इसके साथ एडजस्ट करके, और आप देख सकते हैं। तो मैंने इसमें बताया आपको टाइटल, ओपन, इसके अलावा एक चीज़ और इसमें रह गई है, ओपनर। तो ओपनर क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए ये आप ये किसी ओपनर वगैरह काफ़ी वीडियोज़ में आपने देखे होंगे, तो ये होते हैं ओपनर। आप इनको ऐसे करके वही एडिटिंग का ऑप्शन क्लिक करके ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिए और डबल क्लिक करके आप टेक्स्ट को एडिट कीजिए, प्लस छोटा बड़ा साइज जो जहाँ लगाना हो आप उसको, फुल्ली कस्टमाइजेशन है, आप लगा सकते हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर का यही कमाल है कि फुल कस्टमाइजेबल सॉफ्टवेयर, आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कीजिए। आप इस पर ओपनर लगा सकते हैं, टाइटल्स लगा सकते हैं, लोअर थर्ड लगा सकते हैं, सब टाइटल लगा सकते हैं, इंडियन क्रेडिट लगा सकते हैं, और काफ़ी सारे ओपनर और भी दिए हुए हैं, आप इनको यूज़ कर सकते हैं। प्लस आप अपने खुद के कस्टम बना करके फेवराइट में सेव कर सकते हैं, इसके अलावा कस्टम में सेव कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको टेक्स्ट एंड क्रेडिट के बारे में कोई क्वेश्चन नहीं बचा होगा। इवन अगर आपकी कोई क्वेरी बचती है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपकी हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। लेकिन हाँ, आने के बाद आप सब्सक्राइब करना अगर भूल गए तो ये गलत बात है ना, कि मैं आपके लिए इतना अच्छा बेसिक और एडवांस हर एक चीज़ लेके आ रहा हूँ तो आप हमें सब्सक्राइब नहीं देते हैं, तो फिर इससे मेरा मनोबल डाउन हो जाएगा और मैं आपके लिए अच्छे वीडियोस कैसे ला पाऊँगा। क्योंकि अगर मुझे ही नहीं लगेगा कि अरे यार मेरे व्यूअर्स नहीं हैं तो हमें बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है, है ना। अगर मुझे लगेगा कि नहीं मेरे व्यूअर्स काफ़ी अच्छे हैं, मेरा मुझे लोग चाह रहे हैं कि मैं और वीडियोस पे बनाऊं, तो मैं ऐसे ही वीडियोस, काफ़ी अच्छे अच्छे वीडियोस आपको ला के दूंगा, आप भी खुश हो जाएंगे वीडियोस को देख करके, तो मेरा भी एक मनोबल बढ़ेगा और मैं आपके लिए लाऊंगा। तो सपोर्ट, लाइक, कमेंट, ये सब चीज़ें तो चलती रहनी चाहिए, क्योंकि तो मैं इस पर एम नहीं रख रहा हूँ फिलहाल। मैं सोच रहा हूँ कि अपने वीडियोज़ पर एम रखना शुरू कर दूँ कि इस वीडियो का एम इतने लाइक है या इतने सब्सक्राइबर्स हैं, ठीक है। तो आप हमें कमेंट करके बताएं कि अगर आपको आगे के वीडियोज़ की ज़रूरत है। वैसे तो मैं बनाता रहूँगा क्योंकि हम चाहते हैं कि फ्री ऑफ कॉस्ट आप सबको ये सुविधाएं उपलब्ध हो, जो कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में भी नहीं बताया जाता है। तो मैं आपको बेसिक और एडवांस हर एक चीज़ क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो बातें बहुत हो गई, अब मैं चलता हूँ। बाय बाय, हैव फन, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।